टीचर लोग से भी मिल लिए, महीना फीस भी जमा कर दिए, क्योंकि जानते हैं दोस्तों अगर पैसा नहीं जमा कीजिए ना तो बच्चा लोग को टॉर्चर करता है इन लोग, और हम लोग को बोलेगा पापा पैसा जमा कीजिए, सर ये बोल रहे हैं, सर वो बोल रहे हैं। ओ, मतलब ससुराल जाना है? हाँ, ससुराल जाना है। तो ससुराल में क्या खातिरदारी होगा ये बताओ? अब जाने के बाद ही पता चलेगा। जाने के बाद नहीं, मटन बनेगा तभी हम ससुराल जाएंगे, क्योंकि दामाद का खातिरदारी बढ़िया से होना चाहिए क्या? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मटन बनेगा तभी हम खा जाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी और बन सकता है तो खा सकते हैं। मतलब दाल भात चोखा खाने जाएं? दाल चावल चोखा तो नहीं है आपको मिलेगा। दोस्तों वो निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं हमारी वाइफ भी और हम हैं, चल रहे ससुराल। फिर भी पूछ रहे की भैया घर जाएंगे तो क्या चीज मिलेगा, क्या मिलेगा? मतलब दाल चावल चोखा मिलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी हम नहा धोकर पूरा फ्रेश हो चुके हैं। तो बताइए आज क्या क्या काम करना है हमको, ये बताइए। सबसे पहले आप स्कूल जाइए, विराट का फीस कुछ लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसी को बोले पहले देख के आ जाइए, हम तब तक नहा लेंगे, तब फिर थोड़ा सा आज कहीं और भी कहीं जाना है। कहाँ जाना है? भैया बुलाए हैं, बड़े भैया दिल्ली में रहते हैं, तो बड़े भैया बुलाए हैं तो उन्हीं का घर जाना है। ओ, मतलब ससुराल जाना है? हाँ, ससुराल जाना है। तो ससुराल में क्या खातिरदारी होगा ये बताओ? अब जाने के बाद ही पता चलेगा। जाने के बाद नहीं, मटन बनेगा तभी हम ससुराल जाएंगे, क्योंकि दामाद का खातिरदारी बढ़िया से होना चाहिए क्या? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मटन बनेगा तभी हम खा जाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी और बन सकता है तो खा सकते हैं। मतलब दाल भात चोखा खाने जाएं? दाल चावल चोखा तो नहीं है आपको मिलेगा, ऐसा हो भी नहीं सकता है कि दाल चावल चोखा आपको दे देगा, आप खा लीजिएगा। अच्छा अच्छा, चलो देख लेंगे ना, मेरे सब्सक्राइबर भाई भी देखेंगे कि तुम्हारे भैया के घर में क्या हमको खाना मिलता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं ARS पब्लिक स्कूल, वहीं पे आर्यन विराट और रिया पढ़ता है। तो पहले हम महीना फीस जमा किए थे, लेकिन बोल रहा महीना फीस आपका जमा नहीं हुआ, तो देख सकते हैं बिल वगैरह अभी सारा ले लिए हैं पॉकेट में। अभी चलते हैं पूरा मामला क्लियर करके आते हैं और अपना नवंबर तक जितना भी पेमेंट होगा सारा पेड कर देंगे, क्योंकि कल या परसों हम घर पे निकलेंगे और कोचिंग का भी कुछ पैसा बाकी है पिछला मंथ का, वो भी डाल देंगे, तो अपना पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। बस राशन भराना है घर पर, उसके बाद फिर अपना काम के लिए निकल जाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, इधर देख सकते हैं अपना बैग भी खड़ा है, तो चलते हैं फटाफट और अपना काम करके आते हैं। अभी देखते हैं मामा का लड़का अगर फुर्सत में रहेगा तो उसको भी लेके जाएंगे, अगर वो नहीं रहेगा तो हम अकेले चलते हैं। तो दोस्तों अभी दिन के 10:30 बज चुके हैं और फाइनली सुबह हमको ले लिए हैं अपना बाइक में और यहाँ से चलते हैं 3 किलोमीटर आगे ARS पब्लिक स्कूल में। कुछ स्कूल का पर्पज से हम लोग को स्कूल जाना है, फी वगैरह जो ड्यू है उसको जमा करने, तो भैया बोले चलो फी वगैरह जमा करवा दो, तो उसी सिलसिला में हम लोग स्कूल जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ARS पब्लिक स्कूल और ये रहा स्कूल, इसी में आर्यन रिया और विराट पढ़ता है, इधर शुभम भी साथ में। चलो शुभम, चलिए। पहले गेट में गार्ड से एंट्री करवाना पड़ेगा तभी अंदर जाने देगा। चलिए एंट्री कीजिए पहले। तो दोस्तों अभी हम लोग का एंट्री हो चुका है, शुभम अभी सिग्नेचर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्कूल कैंपस के अंदर जब भी जाइएगा जिसका बच्चा पढ़ता है उसका गार्जियन को सिग्नेचर करना पड़ता है। चलिए सिग्नेचर करते हैं क्या भैया है? सेफ्टी जरूरी है भाई, क्योंकि बच्चा लोग पढ़ता है, बच्चा लोग का जितना भी सुरक्षा का जिम्मेवारी है भाई लोग के हाथ में ही रहता है। और दोस्तों यही है ARS पब्लिक स्कूल, बहुत बड़ा ही स्कूल है, पूरा CBSE का पढ़ाई होता है, ये देख सकते हैं बच्चे लोग। तो सुबह में ही स्कूल हो जाता है 7 बजे ही, ये देख सकते हैं पूरा स्कूल उधर है सामने उधर, ये देखिए पूरा गार्डन का एरिया है और ये रहा काउंटर का ऑफिस। चलिए यहीं पर जमा करते हैं फटाफट। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और ये रहा काउंटर, तो चलिए यहाँ पे फटाफट जमा करते हैं। इधर देखिए बच्चा लोग का, देखिए कितना ही सुंदर स्कूल है एकदम। आर्यन रिया लोग का फीस जमा करना है, तो भैया देख सकते हैं इधर पेमेंट कर रहे हैं बच्चा लोग का। तो दोस्तों आर्यन और रिया का अक्टूबर का मंथली जो है वो डाल दे रहे हैं, देखिए फ़ोनपे से ही पैसा डाल रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं हम लोग विराट के स्कूल में इंटर करने वाले हैं, पंकज भैया आगे आगे चल रहे हैं। पंकज भैया, हाँ। तो दोस्तों अभी विराट के स्कूल का रूम में आ चुके हैं और उनका क्लास टीचर से मिल लेते हैं और बता देते हैं कि पेमेंट जमा हो गया और थोड़ा बच्चे के पढ़ाई के ऊपर भी बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग के पापा चिकन मिलने के लिए हम लोग से बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, चलिए मिल लिए हैं और फीस भी जमा कर दिए हैं तो ये फीस को रखो। चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम लोग का सब काम हो चुका है, बहुत ही अच्छा रहा,
कि टीचर लोग से भी मिल लिए, महीना फीस भी जमा कर दिए, क्योंकि जानते हैं दोस्तों अगर पैसा नहीं जमा कीजिएगा ना तो बच्चा लोग को टॉर्चर करता है इन लोग, और हम लोग को बोलेगा पापा पैसा जमा कीजिए, सर ये बोल रहे हैं, सर वो बोल रहे हैं, इसीलिए पैसा जमा कर दिए। तो चलिए अभी चलते हैं। दोस्तों अभी दिन के 12 बज चुके हैं और अपना स्कूल वाला पूरा काम करके घर पे आ चुके हैं, और ये देखिए हमारी मैडम एकदम कपड़ा वगैरह पहन के पूरा हीरोइन बन गई है। और कहाँ चलना है ये बताओ भैया, मतलब ये अपने बड़े भैया के घर जाने वाले हैं, तो कितना दिन से नहीं मिली ये बताओ। बहुत दिन हो गया, बुला रहे हैं, बड़े भैया आए हुए दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो आए हुए तो बोले कि आओ मिलने के लिए, फिर चले जाएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब निकल रहे हैं हम लोग चास में, और बड़े भैया से इनको मिलवा देते हैं क्योंकि हमको घर निकलना है, तो ये सारा काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और उधर से राशन भी अपना लेते आएंगे। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं हमारी वाइफ है और हम है, और हम लोग चल रहे हैं ससुराल। चलिए आप लोग को ससुराल का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों, इधर बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है, हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग चार से पहुँच चुके हैं, और ये देखिए अनरसा का दुकान, तो यहीं पे अनरसा ले ले रहे हैं, और ये देख सकते हैं विशाल अनरसा भंडार है, ठीक रहेगा ना अनरसा। इधर देखिए दे दिया, पेमेंट करना बाकी है, लीजिए। दोस्तों अभी हम लोग मुस्कान हॉस्पिटल के बगल में आए हुए हैं, तो देख सकते हैं लोंगलत्ता बलसाही समोसा आलू चोप ब्रेड चोप सारा मिलता है यहाँ पे। अभी लोंगलत्ता खाने वाली है, बोल रही लोंगलत्ता खाएंगे ना, लोंगलत्ता खाएंगे, बहुत दिन से नहीं खाए, मेरे दादाजी बनाते हैं। ओ दादाजी बनाते हैं, यानी मेरे दादाजी बनाते हैं, ये बोलो ना। आपका दादा हूँ तो मेरा दादाजी नहीं है। अच्छा, जब से हजारीबाग से आ गए ना, दीजिए ना लोंगलत्ता, दीजिए, तो सोच रहे आज खा लेते हैं। लोंगलत्ता खाओ, देखो कैसा लगता है, आइए हम भी खा लेते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं रंजीत भैया घर पे, और ये देखिए उनका बड़ा लड़का अब है, इधर देखिए हमारी वाइफ भी है, तो चला जाए, तो बैग को अभी अंदर करना पड़ेगा, फिर चलते ऊपर में। तो चलो चलो भाई, अच्छा ये रास्ता है, ये भैया जी यहाँ पे हैं और दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली में ही जॉब करते हैं। और बताइए भैया, आप सब बढ़िया। देखिए हमारी मैडम यहाँ बैठे हुई है, और ये देख सकते हैं खरगोश का बच्चा कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में यहाँ पे, और ये देखिए बड़ी भाभी जो है वो हम लोगों के लिए खाना वगैरह बना रही है, तो क्या बना रहे हैं भाभी जी ये बताइए। चिकन चावल, चिकन चावल। इधर देख सकते हैं प्रीति को, तो आप लोग पहचानते होंगे, छठ पूजा में भाभी भी आई थी और प्रीति भी आई थी, तो क्या कर रही है प्रीति, हाँ तो देखिए नाश्ता निकाल रही है, और इधर देखिए चिकन बन रहा है, उधर चावल भी बन रहा है। और बताइए भैया, आपका घर वगैरह कब तक बनेगा ये बताइए। प्लास्टरा बाकी है, मतलब घर वगैरह ढलाई हो गया, मतलब भैया का घर बन गया है, मतलब नया घर ढलाई वगैरह सारा हो गया, लेकिन प्लास्टरा वगैरह नहीं हुआ है, तो वो सारा जो होगा वो होली के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल भैया जो है न्यू दिल्ली में जॉब करते हैं, तो आए हुए थे, शादी था किन्हीं का रिलेटिव का, कर्जन का, तो उसी में आए हुए थे, तो चलिए भैया से मिले हुए, बहुत दिन हम लोग को हो गया था, क्योंकि दिल्ली में जॉब करते हैं और हम भी ट्रक पे रहते हैं, तो जल्दी हम आ नहीं पाते हैं, तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है, इसीलिए विशेष रूप से हम और हमारी वाइफ आई हुई है, तो भैया से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो रूम है अभी भाड़े का है, क्योंकि घर वहाँ बना नहीं है, जब घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, गृह प्रवेश वगैरह हो जाएगा, तो भैया और भाभी लोग सारा सामान ले जाकर वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर परमानेंट वहीं पर रहेंगे। बाकी और जो भैया लोग हैं उन लोगों का सबका घर बन चुका है, खाली भैया का अभी थोड़ा कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों हम लोग का नाश्ता इधर मिल चुका है, ये देख सकते हैं, चलिए नाश्ता कीजिए। बिस्किट है, मिक्सर है, अनरसा है जो हम लिए संदेश में, और आप लोग बार बार कमेंट में करते हैं कि अपना बड़े साला से नहीं मिलाते, बड़े साला जी कि मेरे बड़े भैया दिल्ली में रहते हैं, अभी हाल फिलहाल आए हैं, तो आप लोग मिल लीजिए, बार बार कमेंट में करते हैं कि अपना बड़े भैया से नहीं मिलाते, तीन साल से मिल चुके हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नाश्ता करते हैं। दोस्तों अभी दिन के 3 बज चुके हैं और फाइनली खाना बन के रेडी हो चुका है, तो देखिए प्रीति खाना ला के दे दिए, इधर सलाद है, पापड़, इधर देखिए चिकन, और इधर चावल। और तुम कब खाएगी ये बताओ। हम भी अभी खाएंगे, हम भाभी प्रीति सब साथ में मिलके खाएंगे। इधर देखिए भैया भी बैठ गए हैं, भैया का भी खाना उधर लग रहा है, तो चलिए अब खाना वगैरह खाते हैं, और राशन वगैरह भी लेना है, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। दोस्तों चावल तो सान लिए ग्रेवी के साथ में, और खाते हैं, ये लगा के लग रहा है 4 दिन से लगातार हम लोग खा रहे हैं ना, चिकन मटन मछली डेली खा रहे हैं, चलिए ठीक है दोस्तों खाते हैं खाना। दोस्त चिकन काफी टेस्टी बना है दोस्तों, ग्रेवी के साथ काफी अच्छा लग रहा है।
और ये रहा अपना चिकन का पीस। तो दोस्तों प्रीति काफ़ी अच्छा चिकन बनाती है और काफ़ी टेस्टी लग रहा है, और इनका खुद का खाना का भी यूट्यूब चैनल है। क्या नाम चैनल है प्रीति? टेस्टी किचन। टेस्टी किचन, हाँ। तो दोस्तों हम लोग का तो खाना हो चुका है, इधर देखिए खाना खा रही है अभी, इधर भाभी भी साथ में खाना खा ले रहे हैं। चिकन काफी काफी टेस्टी बनाई है प्रीति बनाई है, खाना तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो खाओ आराम से, मेरी भाभी भी खा रही है, बड़ी भाभी है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं खरगोश है, बिलायती खरगोश व्हाइट कलर का, और ये देखिए प्रीति के घर में है। और इसका दोस्त कहाँ चला गया, जोड़ी इसका डेट कर गया, वो मर गया। हाँ। मतलब एक ही बचा हुआ है, कितना साल हुआ इसका? एक साल हो गया। एक साल हो गया। हाँ। मतलब जिस घर में रहता है उसमें चूहा नहीं रहता है ना? हाँ, जिस घर में खरगोश रहेगा चूहा नहीं रहता है। ऐसा कैसे, बिल्ली का सुने थे खरगोश? अब ऐसा पता नहीं, लेकिन मेरे घर में चूहा था, अब जब से खरगोश आया तब से चूहा हट गया है। अच्छा अच्छा, हमारा घर बहुत चूहा हो गया, एक दिन के लिए भाड़ा देगी? आप एक दिन के लिए नहीं ले जाइए, आप 2-3 दिन के लिए ले जाइए, एक दिन में नहीं हटेगा चूहा। उस समय आया था 2 साल पड़ा था, तो बच्चा भी देखा था इसका? नहीं अब नहीं है। लो पकड़ पाएगी? तो चला जाए आप तो घर। नहीं अभी मोमोज बन रहा है। मोमोज बना रही है? हाँ। इसको हम लेके जा रहे हैं। जाइए। खरगोश का बच्चा, खरगोश है। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं, और ये देखिए प्रीति नया चीज बनाने वाली है। तो क्या बना रही प्रीति ये बताओ? वेज मोमोज। वेज मोमोज। हाँ। और ये देखिए पूरा मटेरियल कट गया, तो कैसे बनता है वेज मोमोज ये बताओ? बंदा गोभी, गाजर और ये शिमला मिर्च से। अच्छा अच्छा। और इस सब का मटेरियल इधर रेडी है, और इधर चटनी हम लोग बनाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, टमाटर और सूखी। तो चलिए बनाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं मोमोज कैसा लगेगा खाने में। दोस्तों अभी शाम हो चुका है और फाइनली हमारा मोमोज बन गया है। तो प्रीति बढ़िया से बनाई हुई है, और ये देखिए प्लेट में लेकर आई हुई है, इधर देखिए हमारी वाइफ भी खा रही है। तो बताओ कैसा बनाया मोमोज? मोमोज अभी खाए नहीं है, मेरी भतीजी बनाई है प्रीति। ये देखिए प्रीति बनाई है, प्रीति का यूट्यूब चैनल भी, क्या नाम है? टेस्टी किचन। मोमोज देखते हैं कैसा बना है। चटनी क्या चीज का बना प्रीति? टमाटर और लाल मिर्च। टमाटर और लाल मिर्च है। मोमोज का जो टेस्ट है काफी अच्छा है, बढ़िया बना है। ऐसे तो जल्दी ऐसे खाते नहीं है, लेकिन फर्स्ट बार ही लगता है हम खा रहे हैं, मोमोज वगैरह जल्दी नहीं खाते हैं। तो चलिए ठीक है, तुम बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मोमोज, और प्रीति खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे ना तो प्रीति। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बस नाश्ता करते फिर निकलते हैं। तो दोस्तों अभी रात के 7 बज चुके हैं, हम लोग ट्यूशन से आ चुके हैं, और देख सकते हैं पापा आए हैं। तो पापा हम लोग के लिए मोमोज, यहाँ पे देख सकते हैं मोमोज भी काल आ रही भैया, और यहाँ पे एकदम गरम गरम चिकन था, वो वही मामी भिजवाई है हम लोग के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे पापा भी हैं। तो हम लोग आ गए हैं गाइस घर पे अपना, अब खाना वाना तो हम लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि शाम को ही खाए थे हम मोमोज वगैरह, तो पेट भरा हुआ है। बस अभी दूध आएगा मामा घर से, फिर चाय पियेंगे, फिर सोएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से हमारा घर का सफर या कहीं अन्य। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, रिस्पेक्टेड ड्राइवर।